जौनपुर से, जहां पर नगर पालिका परिषद मुंगरा बादशाहपुर में झंडारोहण कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें माननीय लोगों के साथ में व्यापार मंडल अध्यक्ष आलोक कुमार गुप्ता, शिव गोविंद साहू चेयरमैन, मीनाक्षी चतुर्वेदी उपस्थित रहे। आइए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस के इस मौके पर आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय नगर पालिका परिषद के चेयरमैन बड़े भाई शिव गोविंद साहू जी और तमाम हमारे सभासद साथीगण, पत्रकार बंधु, समाज सेवी और महिलाएं, साथियों, आज गणतंत्र दिवस जो पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और गणतंत्र दिवस के इस मौके पर हम गणतंत्र की बात करें और साथ ही साथ अपने क्षेत्र और नगर की समस्याओं की भी कुछ बात रखें, तो मैं समझता हूं बेहतर है ऐसे मंचों पर, जब हम एक तरफ अपने विचार को सिर्फ पार्टी से दान देते हैं तो मैं समझते आज ये गणतंत्र दिवस के इस मौके पर सिर्फ और सिर्फ पार्टी की बात करना ये ठीक नहीं लगता है। रुकावट पर मन बात को आगे बढ़ाने के लिए कि तू अमन का पयाम है, ऐ 26 जनवरी तू अमन का पयाम है, ऐ 26 जनवरी तुझको मेरा सलाम है, ऐ 26 जनवरी। आज गणतंत्र दिवस के इस मौके पर मैं अपने अध्यक्ष जी से थोड़ा से मुखातिब होऊंगा। मेरा गुजारिश है, मेरा इल्तिजा है आपसे कि कम से कम आने वाले दिनों में, जैसे कि 15 अगस्त के बाद 26 पिछले 26 जनवरी माफ करिएगा पिछले 26 जनवरी के बाद कोई भी कार्यक्रम जिस तरह से होना चाहिए नहीं हुआ। आज पूरा एक वर्ष बीत गया, शायद 15 अगस्त में तमाम लोग रहे दिनों में इत्तेफाक था कि मैं नहीं रह पाया, इसलिए आज 26 जनवरी के बाद एक साल बाद मुझे मौका मिला कि ये जो साल गया आने वाले साल में कुछ इस तरह से करें कि हमारे नगर के जितने भी सभासद चुनकर आए हैं उन्हें भी फख्र महसूस हो। मेरा इशारा कुछ है, हो सकता है आप समझ रहे हो, मैं पर्दे के पीछे से एक इशारा कर रहा हूं, मंच से मुझे नहीं कहना चाहिए शायद, इसलिए मैं कह रहा हूं और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। तमाम काम रुका हुआ है, हालांकि आपकी मैं तारीफ भी करता हूं कि आपने नगर में ऐसे तमाम कार्य किए हैं जो सराहनीय है, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि एक बात के कहने पर ही आपने ऐसे ऐसे जटिल समस्याओं को दूर किया है जिसका मैं बार बार आपका सराहना करता हूं, लेकिन साथ ही साथ ऐसी जो समस्या आई कि आपकी भी अपना और भी खूबसूरत और भी ऊंचा मेरे देश का नाम हो जाए, और भी खूबसूरत और भी ऊंचा मेरे देश का नाम हो जाए, काश कि हर हिंदू विवेकानंद और हर मुसलमान कलाम हो जाए। आइए आज 72वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर नगर से आए हुए तमाम सभासदगण, पत्रकार दर्जा में देखे हमारे सभी पत्रकार मित्र और आपकी सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे अनुज, जिनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है, नगर के प्रथम पालिका परिषद के चेयरमैन
आदरणीय श्री श्री गोविंद साहू जी, पूरा देश कराह रहा था। प्रवासी मजदूर अपने अपने घरों से निकलकर, जहां कमाने गए थे वहां से निकलकर अपने अपने घरों को जा रहे थे। उस दरमियान नगर पालिका परिषद की तरफ से उनके रहने खाने पीने की जो व्यवस्था की गई थी, मैंने ये भी देखा कि हमारे पालिका परिषद के अध्यक्ष के ऊपर कुछ तथाकथित राजनीतिज्ञों ने आक्षेप भी लगाया। उन्होंने जिस बाखूबी के साथ अपने कार्यों को अंजाम दिया, उसके लिए नगर व्यापार मंडल उनको बधाई भी देता है। मित्रों, आज जिस दिन हमें अपना संविधान मिला, हमें अपना अधिकार मिला, और उसी संविधान के तहत आज हम लोग अपना जीवन सामान्य तरीके से जी रहे हैं, फिर वो दिन क्या, हर दिन हमारा 26 जनवरी और 15 अगस्त होगा। ज्यादा कुछ न करते हुए, वक्ताओं की काफी लंबी श्रेणी है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।